मैं आपको कद्दू की पूड़ी बनाना बताऊंगी। कद्दू की पूड़ी और कद्दू की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने एक कटोरी जो है, दो कटोरी आटा लिया हुआ है, एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। एक टेबल स्पून जो है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लिया है। वन पिंच हींग लिया है। थोड़ा सा अजवाइन इसको क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है इसमें एक कटोरी जो है सूजी ली है, इससे जो है कुरकुरी हमारी बनती है पूरी। एक जो है एक चम्मच मैंने नमक लिया है, सादा नमक, और थोड़ा सा जो है मैं काला नमक भी डालूंगी। आप चाहें तो डालें, चाहें ना डालें, डालने से इससे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा जो है हाफ टी स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। अब ये सब हम जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा, इसको जैसे पूड़ियों का आटा गूंथते हैं उसी तरह हम गूंथ लेंगे। अब हमने आटे को गूंथ लिया है, इसको जो है 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी कद्दू की सब्जी तैयार करेंगे। आज मैं कद्दू की सब्जी आपको खट्टी मीठी बनाना बताऊँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है। उसके बाद हम इसमें जो है थोड़ी सी मेथी डालेंगे और 1 पिंच जो है हींग डालेंगे, थोड़ा सा जो है जीरा डालेंगे। अब हमारा ये हो गया है जो है, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज ली है मैंने। प्याज जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें कद्दू डालेंगे। हमारी प्याज हो गई है तो अब इसमें हम सारा कद्दू ले सकते हैं। मैंने आधा किलो कद्दू लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने कद्दू को जो है फैलाने के बाद जो है इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और नमक डालकर इसको हम ढक के एकदम स्लो आँच पे पकने के लिए, जब तक ये गल जाता है हमारा तब तक इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो है हमारी कद्दू थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट रखा था, इसको इसमें डाल देंगे। और ये हमने इसमें थोड़ी सी, आप चाहें तो आमचूर भी डाल सकते हैं। मैंने कलाई पीस के रखी हुई थी तो कलाई के साथ मैंने हरी मिर्ची भी पीस के रखी है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसमें आधा टेबल स्पून जो है हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जो है हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसको हम चला देंगे। इससे हमारा आमचूर वगैरह सब मिक्स हो जाए और उसको उसी तरह से ढक करके स्लो आंच पे उसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। अब हमने इसमें आमचूर डाला हुआ है, मतलब मैंने तो कलाई का पेस्ट डाला हुआ है, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून चीनी डाल दूँगी। अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा है तो आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको डाल के हम जो है थोड़ा सा चलाएँगे और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक कर थोड़ा सा पकाएंगे एकदम मीडियम आंच, एकदम मीडियम आंच पे। उसके बाद जो है इसको खाएंगे। अभी पूड़ी बताएंगे आपको, पूड़ी के सूसी पूड़ी के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है ये चटपटी, एकदम खट्टी मीठी। ये देखिए इसको जो है पूड़ियों को
हमारा आटा सेट हो चुका था। हमने इस तरह गोल शेप में एक पूरी बेली है, ये तो हम गोल शेप में, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट रहते हैं और हम जल्दी में हैं तो हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे जिससे जो है जल्दी भी हो जाती है। ये एक हम बेल के रखेंगे, आप जैसे हम रोटी की शेप में बड़ा सा बेल लेंगे, उसके बाद हम इसको जो है 4 पीस कट कर देंगे। चाहे तो आप इसका और बड़ा बेल करके इसका शेप और भी कट कर सकते हैं पीसेस, लेकिन हमने 4 पीस जो है इस तरह से 4 पीस हो गया है। तब इसको हमारा तेल गर्म है, तो देखिए इसमें हम डाल देंगे से हमारी पूरियाँ, सभी देख सकते हैं कि इस तरह से पूरी फूली है और कुरकुरी भी रहेगी, और उसी सब्जी के साथ खा के देखिए बहुत टेस्टी रहती है। अब हमारी पूरी सब्जी तैयार है, इस देखिए इस तरह से, उस सब्जी को हम पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, इसलिए हमने पुलाव भी बनाया हुआ है और कद्दू की पूरी के साथ हमने सर्व किया है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसको आप बनाइए और खाइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी बनाइए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।